हे माई लवली पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। होप आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे एंड अच्छे अच्छे से अपने फेस्टिवल्स आपने अपने सेलिब्रेट करने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा, आज का टॉपिक इट्स अ पार्ट ऑफ होम डेकोर ओनली। आज का जो प्रोडक्ट्स है, मैं आपको कुछ अमेजोन एंड मीशो एज यूजल कुछ प्रोडक्ट्स आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, बट वो ऐसे जनरल रूटीन होम डेकोर के भी प्रोडक्ट्स नहीं है। वो तभी हमारे यूजफुल, मतलब हमें काम आते हैं जब कोई फेस्टिव ओकेजन होता है, जैसे लाइक अभी जन्माष्टमी थी तो उसके कुछ प्रोडक्ट्स थे। वीडियो वॉज सपोज टू गो लाइव ऑन वेडनेसडे, लेकिन वो नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन्स। आई वॉज नॉट वेल, तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, सम वेरियस थिंग्स वर गोइंग ऑन, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। बट इट्स ओके, जो प्रोडक्ट्स हैं आपके जरूरी नहीं है सिर्फ जन्माष्टमी के लिए ही जरूरी थे, ये आगे भी आप अपने किसी भी फेस्टिवल में, जैसे अभी हमारे पास दिवाली आने वाली है, दशहरा, नवरात्रि, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, तो उसमें भी आप इन चीज़ों को अपने होम डेकोर के लिए, अपने पूरे इंटीरियर को रिवैम्प करने के लिए, अपने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ यहाँ अनबॉक्सिंग करके देखिए। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाली हूँ, ये है मेरा अमेजोन। सो यस गाइस, ये है हमारा पहला प्रोडक्ट। ये जी होते हैं बहुत बड़े बड़े उस टाइप के, ये कुछ थे एंड ये सेट ऑफ 9 उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। बाकी तो ये प्रोडक्ट पूरा मुझे असेंबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये पार्ट्स में आया है, तो मैं इसको आपको असेंबल करके भी दिखाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का ये प्रोडक्ट है, अगर आवाज़ आ पा रही है तो। कि कुछ इसमें फ्लोरल डेकोर आया था, देख लीजिए आप, इस टाइप के ये फ्लावर वाले पैटर्न में है। आई होप आपको ये विजिबल हो पा रहा होगा। चलिए अपना अगला प्रोडक्ट अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसको यहाँ, ओह माय गॉड, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब देखते ही मुझे ऐसा लग गया कि वाओ, कितना मतलब अच्छी क्वालिटी है ऑप्शन में। बाकी उसके अलावा प्राइस डिटेल आप स्क्रीन पे चेक कर लो। इसमें ये रेड एंड गोल्डन कलर का प्रिंट है एंड ये एक उर्ली बोल है इस टाइप का। साइड में इसमें ये दिया बने हुए हैं एंड फ्लावर्स बने हुए हैं, तो इसमें भी आप फ्लोटिंग कैंडल, फ्लोटिंग फ्लावर्स, कुछ भी जब कोई फेस्टिव ओकेजन होता है तो इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। इसको आप जनरल डेज में भी टू लाइक करेक्शन ऑफ वास्तु के लिए भी, हम लोग कई बार अपने एंट्रेंस डोर पे इस टाइप के बोल रखते हैं, उर्ली बोल। तो ये इस टाइप का इसका फाइनल लुक है। उप्स इस टाइप का इसका फाइनल लुक है गाइस। बाकी तो मैं आपको इसको प्लेस करके दिखाऊंगी विद स्टार्स जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, उनमें ही मैं आपको डेकोरेट करके दिखा दूंगी कि कैसा लग रहा है ये। योर क्वालिटी इज वेरी गुड, आप इट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। बिल्कुल भी ऐसा मतलब लाइट वाला मटेरियल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे टिन पे पेंट करके दे दिया, उस टाइप का नहीं है। बाकी तो पानी भरने के बाद इसकी शाइन कितनी रहती है नहीं रहती, वो सब बाद में पता चलेगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर थर्ड प्रोडक्ट। ये हैं इस टाइप के कुछ लोटस दिया बोल सकते हो इन्हें आप, ये इस टाइप के। इसमें हैंगिंग भी दे रखा है ऑप्शन, अगर आप इसको एज अ दिया ना यूज करके लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे टी लाइट प्लेस करके यूज करो तो आप इसको वॉल पे हैंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होल है, ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी दूसरा तो ये मैंने मतलब पर्सनली मैं इनको इसलिए लेना चाह रही थी कि रंगोली जो हम बनाते हैं उसके साइड में डेकोरेट करने के लिए इस टाइप के अच्छे लगते हैं लोटस। एंड बिलीव मी गाइस, जो प्राइस में ये आपको ये क्वालिटी मिल रही है इट्स वेरी गुड। बाकी तो प्लेसमेंट एज यूजल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो फाइनल लुक इसका आप चेक कीजिए कैसा लग रहा है ये।
प्रोसीड टूवर्ड्स आर नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसको भी अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। इसमें ये बेल वाले कुछ मैंने हैंगिंग्स जो होते हैं ना आर्टिफिशियल फ्लावर वाले हैंगिंग्स वो मंगवाए हुए हैं। यस गाइस, ये है बहुत सुंदर सी वाइट कलर एंड रेड कलर की माला है, हैंगिंग है विद बेल। बेल मेटल की नहीं है, प्लास्टिक का ही है, बस गोल्डन पेंट इस पे हो रखा है। तो किसी कंफ्यूजन में आप मत रहना परचेज करते टाइम कि आपको ये मेटल मिलने वाला है। इट्स जस्ट प्लास्टिक विद गोल्डन कलर ऑन इट एंड ये वाइट कलर के फ्लावर्स हैं विद गोल्डन बीड्स एंड रेड बीड्स और बीच में ये गोल्डन कलर की बेल्स इसमें लगाई गई हैं। लेंथ आप देख सकते हो, इतना इसका लेंथ है अगर आप हैंगिंग की फॉर्म में से यूज़ करना चाह रहे हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस, मतलब इस प्राइस में आपको ये मिल रहा है तो बहुत ही सुंदर है। बस इसको थोड़ा मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज ये गोल्डन जो होता है विद टाइम इसका ब्लैक पड़ने लगता है, तो थोड़ा इसको बस मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल सॉल्व द पर्पस वेरी ब्यूटिफुली। कहीं भी आप इसको अपने एंट्रेंस पे डेकोरेट कर लीजिए, मंदिर में डेकोरेट कर लीजिए, कहीं पर भी आप चाहें, बहुत अच्छे साइज की इसमें बेल्स हैं। सो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया विद इन दिस प्राइस रेंज, इट्स वेरी गुड। अगर आपने बाहर मार्केट एक्सप्लोर किया होगा तो आपको पता होगा इस टाइप की जो हैंगिंग्स होती है वो बहुत कॉस्टली देते हैं। तो ये दिस वाज माय नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड इट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। Proceed towards next. Wow, very beautiful. See, कितने सुंदर ये लग रहे हैं। ये इस टाइप के गाइस लोटस हैंगिंग्स हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैंने मतलब डिसाइड किया था कि मैं जन्माष्टमी डेकोरेशन पूरा लोटस थीम में करूंगी, तो ये मैंने कुछ डिसाइड किया था कि इससे मैं पूरा तानाजी का जो वॉल का बैकड्रॉप है मंदिर का वो प्रिपेयर करने वाली थी। तो ये विद नेल आपको हैंग करना पड़ेगा। दिस कम्स अलॉन्ग विद दिस वाइट बीड्स और ये बीच में एक रुद्राक्ष है जो कि असली नहीं है, प्लास्टिक वाला रुद्राक्ष है। इस टाइप की ये टैसल्स हैं इसमें रेड कलर की एंड दिस पिंक लोटस। अच्छा खासा, अगर मैं पाम साइज के हिसाब से आपको दिखाना चाहूँ तो ये इतना बड़ा है इसका साइज। एंड गाइज, ये दो प्रोडक्ट हैं जो मैंने अनबॉक्स ऑलरेडी कर लिए हैं, तो इसमें आपको दिखा देती हूँ मैं क्या है। इसमें हैं कुछ ब्रास दियाज जो मैंने मंगाए थे मंदिर के लिए। ये कुछ इस तरह के टॉल दिया है, मतलब यहाँ के ये सेट ऑफ फोर में मुझे मिला है इस तरह के ब्रास दिया है। ये देख लीजिए आप, साइज इस तरीके का है एंड लुक बहुत अच्छा है। इसमें आप अगर साइज देखना चाहो तो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ। बहुत हैवी क्वालिटी है, सिर्फ पतली वाली चीप क्वालिटी नहीं है इसकी। तो इस टाइप के सेट में दो इस तरीके के दिया आए हैं विद स्टैंड, काफ़ी अच्छे हैं। फ्लावर की इसकी शेप है जो उन्होंने दी हुई है, तो दो इस टाइप के दिया हो गए एंड दो ये फ्लावर वाले विद इसमें थोड़ा रोज गोल्ड एंड गोल्डन का शीन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो इस टाइप के ये कुछ दिया है, इसका भी मैं आपको साइज दिखा देती हूँ फाइनल लुक। Already unboxed. Yes, ये वो लोटस हैंगिंग्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी आप। बाकी ये वाले जो हैं, इसमें लोटस थोड़ा बिग साइज का है एंड ये इस टाइप के गोल्डन एंड वाइट बीड्स हैं। हैंग करने के लिए प्रॉपर इन्होंने गोल्डन रिंग दिया हुआ है एंड जो ये बेल आप इसमें देख रहे हो ये मेटल की है। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द प्रोडक्ट। बाकी इसको देखते हैं वॉल पे हैंग करके ये आपको कैसा लगेगा। तो उसको भी फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं।
इसमें नॉट गुड, बहुत ही पथेटिक क्वालिटी है. मतलब कहाँ से ये मैरीगोल्ड लग रहा है यार. पन्नियाँ काट के इन्होंने ना चिपका के दे दी है इसमें. नो नो, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एट ऑल गुड. इसको तो मैं रिटर्न ही करूँगी. देख क्वालिटी अगर आप देखना चाह रहे हो पास से तो आप देख लो, जूम करके मैं दिखा देती हूँ आपको. पन्नी मतलब पॉलिथिन होती है ना, उसको काट के इन्होंने फ्लावर बना दिए हैं इसमें. और ये यहाँ पे मतलब दे दिया है लगाने के लिए कि आप इसको लगा लो अपने दिवाली डेकोरेशन में. नो, इस प्राइस में ये वर्दी नहीं है. सो इट्स अ बिग नो नो फ्रॉम माई साइड. आई एम गोना रिटर्न दिस प्रोडक्ट. यही था मेरा आज का हॉल, जिसमें मैंने आपको कुछ आइटम्स दिखा दिए हैं. अभी अपकमिंग वीडियोस में भी आपको धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपनी मंदिर डेकोरेशन के लिए, अपने दिवाली डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं. बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का आप चाहते हैं मैं हॉल करूँ फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, लाइक कुशन कवर्स, कर्टेंस, एनीथिंग यू वॉन्ट मी टू डू, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो बस इसी के साथ एंड करते हैं आज का अपना वीडियो. एंड थैंक यू फॉर शोइंग मी योर लव गाइस. आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को अपना टाइम दे रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड इसी तरीके से मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.